नमस्कार साथियों, जैसे आपको पता है राज्य सरकार ने जो हमने 90 दिन का संघर्ष किया था वो एक षड्यंत्र के तहत व कूटनीति के तहत हमारे साथियों को धरने से उठा के जेलों के अंदर डाला, हमें हिरासत में लिया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। आप सभी साथियों में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी जहां पे भी हैं, किसी भी तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये धरना समाप्त हुआ है, लेकिन हमारा जो आंदोलन था वो जारी रहेगा, हमारा जो संघर्ष था वो भी आगे जारी रहेगा। प्रशासन ने और डीसीपी मृदुल कछावा जी ने हमसे वादा किया है कि वो सोमवार को हमें अखिल अरोड़ा जी के थ्रू सीएम से मिलवाकर हमारी बात सीएम के सामने रखवाने का काम करेंगे और हमारे मुद्दों पे सीएम साहब कोई हल निकालेंगे। उसी आश्वासन के तहत हम कल 10 बजे मृदुल कछावा जी से मिलेंगे, वह आगे की बात करेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव नहीं होता तो कल सोमवार शाम को आगे की जो रणनीति है वो तैयार है। आगे क्या करना है वो सभी साथी मिलकर फैसला लेंगे। हमारे जो साथी दो थे, हमारे साथ थे 6 लोग थे, हम जिन पे मुकदमे लग चुके हैं, जिसमें देव और आशीष भाई थे, दोनों हमारे साथ नहीं है, वो दूसरी जगह रुके हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम सभी एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट के अंदर गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको सड़कों पर लाने की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे आप सभी की जिंदगी बर्बाद हो, आप लोगों के मुकदमे लगे। संघर्ष हमने पहले भी शांतिप्रिय तरीके से और गांधीवादी तरीके से किया था, और जिसकी वजह से आज पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को पता चला भी सीएचए के साथ क्या हुआ है, सीएचए को कैसे षड्यंत्र के तहत वहां से उठाया गया, सीएचए ने कितना काम किया। और वॉलंटियर फोर्स का रुके रहना ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी 90 दिन तक। आगे की रणनीति तैयार है, सोमवार शाम तक का वेट है। प्रशासन हमें सीएम से अगर नहीं मिलवाता तो सोमवार शाम को आप सभी के साथ मिलकर आगे की रणनीति शेयर करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जितनी भी मेरी बहनें हैं उन्होंने मेरे पे 90 दिन पे विश्वास किया है, भाई हैं उन्होंने 90 दिन तक विश्वास किया, वही विश्वास आप आगे भी कायम रखना। आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा ये वादा है। मेरे घर में भी मेरी बहन है, मैं बहन की इज्जत करना जानता हूं, मैं अपने परिवार को एकजुट रखना जानता हूं। 90 दिन तक